एक बार एक पत्रकार एक अमीर व्यक्ति को बुलाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं। पत्रकार का सवाल उस अमीर आदमी से ये रहता है कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब हुए? तो वह अमीर आदमी बोलता है, मैं अपनी जिंदगी में चार समय ऐसा आया जब मैं सबसे ज्यादा खुश था। सबसे पहला, जब मैंने अपनी कंपनी खोली तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे कुछ छूटा हुआ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा खुशी मुझे मिल सकती है। फिर दूसरे बार मैं खुश हुआ जब मैंने महंगे महंगे वस्तु खरीदे, लेकिन वो खुशी बहुत ही कम समय के लिए था। मैंने नया घर ले लिया था, नई कार ले ली थी और नए नए मोबाइल ले लिए थे, लेकिन वो खुशी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लगी थी। तीसरे टाइम मुझे खुशी तब हुई जब मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मैं अपने देश का सबसे पैसे वाला व्यक्ति था, तब मुझे खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये खुशी कहीं छूट रही है। तो उसी बीच मेरे से मेरे एक मित्र मिलने आए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक NGO चलाता हूँ, क्यों ना तुम उस NGO के बच्चों को व्हीलचेयर गिफ्ट करो। तो मैं उनकी बात तुरंत मान गया और मैंने कहा, ठीक है, मैं इतने व्हीलचेयर देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे प्रार्थना की, उसने कहा, क्यों नहीं ये व्हीलचेयर तुम अपने हाथों से दो। तो पहले तो मैंने ना कहा, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर दिया, तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने हाथ से देने को तैयार हूँ। फिर मैं उसके साथ उसके NGO में गया और सारे बच्चों को मैंने अपने हाथ से व्हीलचेयर दिया। सारे बच्चों के शक्ल में बहुत ज्यादा खुशी थी, वो बहुत ज्यादा खुश थे और उनको देख के मैं भी खुश था। लेकिन मैं जब वहां से निकल रहा था, तब एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने ओर खींचा। मैंने एक ही झलक में उस बच्चे को देखा और कहा, क्या हुआ, मुझे क्यों खींच रहे हो? तो उस बच्चे ने बहुत ही प्यारी से स्माइल दी और मुझसे कहा, मैं आखिरी बार आपको एक बार देखना चाहता हूँ। तो मैंने सवाल किया, क्यों देखना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा, ताकि मैं जब स्वर्ग में जाऊँ तो वहां जाके मैं आपको पहचान पाऊँ। बस ये शब्द मेरे दिल को छू लिए और मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी प्रतीत किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला मोमेंट था और जो पत्रकार है ये सुनके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम खुश तब होते हैं जब हम कुछ दूसरों को देते हैं। हम अगर किसी भिखारी को पैसा देते हैं तो इसलिए देते हैं जिससे हमें खुशी मिले। आपने ये कभी देखा होगा, जब भी आप किसी भिखारी को पैसा देते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, आप जब दूसरों की मदद करोगे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वही है रियल हैप्पीनेस। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक ऋषि के पास जाते हैं और जाके उनको बोलते हैं कि महाराज, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे से कोई मदद लेना ही नहीं चाहता। जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ तो वह या तो ना बोल देता है या बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। तो महाराज, मैं चाहता हूँ मैं दूसरों की सेवा करूँ, लेकिन मैं कैसे सेवा करूँ जब कोई सेवा लेना ही नहीं चाहता? तो महाराज इसमें मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह कहानी है एक फल वाले की। एक बार एक व्यक्ति उस फल वाले के पास आता है और आके पूछता है कि सेब कितना करके किलो लगाया। तो वह फल वाला बोलता है, मालिक, सेब 100 रुपए किलो है। और जैसे ही ये बोलता है तभी वहाँ से एक औरत आती है और वह औरत आके पूछती है, भैया सेब कितना रुपए है? तो वह दुकानदार उस आदमी को बोलता है कि एक मिनट आप रुक जाइए, और उस औरत को बोलता है 25 रुपए किलो। तो वह जो आदमी जो खरीदने आता है वो देखते रहता है कि इसने तो मुझे अभी 100 रुपए में बोला था और इसी औरत को मेरे सामने ये 25 में दे रहा है। तो वह औरत बोलती है, ठीक है आप मुझे दे दीजिए। तो वह दुकानदार 25 रुपए में सेब देता है और वह औरत वहाँ से चली जाती है। जैसे वह औरत जाती है, वह आदमी गुस्से से उस फल वाले को पूछता है कि अभी तुमने मुझे यही सेब 100 रुपए बोला और इस औरत को तुमने 25 रुपए में क्यों दे दिया? तो वह दुकानदार बोलता है, साहब ये जो औरत है ये औरत के 4 बच्चे हैं और ये औरत विधवा है। मैंने बहुत बार इसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन ये मेरे से ही क्या, किसी से कोई मदद नहीं लेती है। भले ये भूखी मर जाएगी लेकिन किसी से ये मदद नहीं लेगी और ये कारण है कि मैं सीधे सीधे इसकी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन इसको बिना बताए इसकी मदद मैं कर सकता हूँ। जब ये फल वाला बोलता है तो वह खरीददार खुश हो जाता है और 100 रुपए में वहाँ से सामान लेके चले जाता है। फिर महाराज उस अमीर व्यक्ति से पूछता है कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो वह अमीर आदमी बोलता है, मुझे ये तो समझ आ गया कि मदद करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हम बिना बोले भी उसकी मदद कर सकते हैं। ये बोल के वह आदमी उस स्थान से चले जाता है। लेकिन दोस्तों, हम और आप अभी भी यही है। तो आप बताओ कमेंट में हम इस कहानी से क्या सीखे। मुझे लगता है दोस्तों, अगर आपको किसी की मदद करनी है तो जरूरी नहीं है कि उसको
मदद चाहिए तभी आप उसकी मदद करो, उसके ना चाहते भी आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में। हम मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहना, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी होते हैं। उसमें से एक हाथी बहुत ही बहादुर और बहुत ही आज्ञाकारी होता है। राजा जब भी युद्ध में जाता है तो उस हाथी को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन समय बीतते जाते हैं और धीरे धीरे वो हाथी बूढ़ा होते जाता है और उस राजा को भी उस हाथी से बहुत स्नेह होता है, इसलिए वो राजा उस हाथी को अब युद्ध में नहीं लेके जाता है, ये सोच के कहीं वो जख्मी ना हो जाए या फिर उसकी मृत्यु युद्ध में ना हो जाए। एक बार की बात है जब वो हाथी खेतों में घूमता है और अचानक एक दलदल में फंस जाता है और वहां से उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है। राजा पूरे गांव में घोषणा करता है जो भी इस हाथी को बाहर निकालेगा बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। सारे गांव वाले आ जाते हैं, हर तकनीक अपनाते हैं, लेकिन वो हाथी को कोई उस दलदल से बाहर नहीं लेके जा पाता और धीरे धीरे वो हाथी उस दलदल में दबते चले जाता है और वह राजा वहां रोना शुरू कर देता है। तभी वहां से गौतम बुद्ध चल के आते हैं और गौतम बुद्ध उस भीड़ को देख के वहां चले आते हैं। तभी राजा की हालत देख के गौतम बुद्ध उनके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या कारण है, आप क्यों रहे हो। तब राजा अपनी पूरी कहानी बताता है, किस तरह यह हाथी उसके साथ हर युद्ध में जाता था, किस तरह वो हाथी इसकी मदद करता था और आज उस हाथी की ये राजा मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं एक काम करो, यहाँ पे युद्ध जैसा आयोजन करो, ढोल लेके आओ और ढोल बजाओ, कुछ इस तरीके से बजाना जैसे युद्ध शुरू ही होने वाला है। अपने सारे सिपाही को बोल दो युद्ध जैसा यह माहौल बनाए। राजा को समझ नहीं आता लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं रहता, इसलिए राजा वैसा करता है और जैसे ही ढोल बजाना चालू होता है सब युद्ध की तैयारी करते हैं, कुछ इस प्रकार का माहौल हो जाता है। अचानक हाथी में शक्ति आ जाती है और वो हाथी अपनी पूरी ताकत लगा के अकेले ही उस दलदल से बाहर निकल आता है और वो देख के राजा अचंभित हो जाता है और सीधा गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया फिर भी हाथी बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी वो अकेले ही उस दलदल से बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ये ताकत उस हाथी के अंदर पहले से था, लेकिन उसको कारण नहीं मिल पा रहा था कि वो इस दलदल से बाहर निकल पाए। जब उसको लगा युद्ध हो रहा है, मेरे राजा की जान खतरे में है, तो उसको कारण मिल गया वहां से बाहर निकलने का और वहां से निकल गया। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण है आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं है उस कार्य को करने के लिए। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको कोई भी कार्य करना क्यों है। जब आपके पास लक्ष्य बहुत अच्छे होंगे तो आप उसके पीछे मेहनत करना शुरू कर दोगे और आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? इस कहानी से आपने और क्या सीखा नीचे कॉमेंट में बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना, उससे हमें हौसला मिलती है। और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में आते हैं। गांव वालों को ये पता रहता है कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए सारे गांव वाले आते हैं। उसमें से ही एक छोटा सा समूह आता है और वो अपने साथ एक अंधे व्यक्ति को लाते हैं और वो छोटी सी समूह गौतम बुद्ध से कहते हैं गुरुजी ये अंधा आदमी बोलता है कि हमने इससे झूठ कहा है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या झूठ? तो वो अंधा आदमी कहता है कि रोशनी नाम की कुछ चीजें होती है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं हाँ रोशनी नाम की चीजें तो होती है। तो वो अंधा आदमी बोलता है फिर इन लोगों से जब मैंने कहा कि रोशनी को छूने दो तभी मैं इसको सच मानूंगा तो किसी ने मुझे रोशनी को छूने नहीं दिया। वो कहते हैं कि रोशनी को तुम छू नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है रोशनी हम खा तो सकते हैं, मुझे खाने दो तो मैं उसका स्वाद लेके समझ जाऊंगा कि हाँ रोशनी नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये लोग कहते हैं कि रोशनी को तुम खा भी नहीं सकते, उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है मुझे सूंघने तो दो। तो वो कहते हैं कि नहीं रोशनी का कोई सुगंध भी नहीं होता। तो मैंने इनकी सारी बात मानी और मैंने अंत में ये कहा ठीक है कम से कम मुझे रोशनी को सुनने तो दो। तो ये कहते हैं कि रोशनी को तुम सुन भी नहीं सकते हो। इतना बोलने के बाद अंधा आदमी क्रोध से बोलता है कि ये लोग ने मुझे झूठ कहा, ये लोग मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए जो चीज़ मैं नहीं देख सकता उस चीज़ को इसने एक नाम दिया रोशनी और ये बोलते कि रोशनी नाम की चीज़ें होती है जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुनते ही गौतम बुद्ध हंस पड़ते हैं और वो बाकी लोगों से कहते हैं आप इस अंधे इंसान को गलत जगह पर लेके आए हो, आप इनको किसी वैद्य के पास लेके जाओ और इनकी आंखें ठीक करवाओ। उनकी बात मान के सारे लोग उन्हें एक वैद्य के पास लेके जाते हैं और उसकी इलाज करवाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद वो अंधा आदमी देखना शुरू कर देता है और ये समझ चुका होता है कि रोशनी क्या होता है और ये भी समझ जाता है कि वो गलत था। तो इस विषय में बात करने के लिए वो दोबारा गौतम बुद्ध के पास जाते हैं लेकिन गौतम बुद्ध तब तक वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ महीनों बाद वो गौतम बुद्ध को ढूंढते हुए उन तक पहुँच जाते हैं और जाके गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि आपने जो गांव वालों से कहा जिसके कारण वो वैद्य के पास लेके गए उससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई, अब मुझे समझ आ गई कि मैं गलत था और वो बाकी लोग सही थे।
तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर यह प्रश्न नहीं आता कि रोशनी झूठ है, तो तुम कभी अपने आँख को ठीक नहीं कर पाते, और क्योंकि तुम्हारे अंदर एक उत्सुकता थी अपने आप को सही मानने की, जिसके कारण तुम आज सारी चीज़ें देख सकते हो। ये बोल के गौतम बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप गलत हो तो उससे आपका कभी लाभ नहीं होगा, बल्कि कुछ गलत निर्णय भी आपको सही रास्ते में पहुंचा सकती है। तो आपने अगर कभी भूतकाल में कोई गलत काम किया या आपसे कोई गलती हुई, तो उसको लेके आज पछतावा मत करना, हो सकता है वो चीज़ें आपको सही रास्ते में लेके जाए। दोस्तों इस कहानी को खत्म करते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानी लाने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मठ में बैठे थे और अपने जिंदगी से जुड़े चीजें बता रहे थे, सबको ज्ञान दे रहे थे कि जिंदगी में पैसा का क्या महत्व है, जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, इन विषयों पे वो बात कर रहे थे। तभी अचानक उनके एक शिष्य वहाँ खड़े हो गए जिसकी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशानी थी, लेकिन उसका वो गुस्सा कहाँ निकालेंगे उनको समझ नहीं आ रहा था। उनके साथ भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें बीती थी जो उसको अंदर से खाया जा रहा था। तो उस शिष्य ने अपना गुस्सा गौतम बुद्ध पे दिखाया। उन्होंने जोर से बुद्ध को बोला कि तुम ढोंगी हो, तुम जो बातें कर रहे हो वो सत्य नहीं है, हमारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी जैसे नहीं है। और ना जाने उसने क्या क्या गौतम बुद्ध को कह दिया, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ ना बोले, बस मुस्कुराते रहे। और ये देख के वो शिष्य और ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उन्होंने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया और उनको अपशब्द बोलते चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना मुंह पोछा और बस उनकी बातें सुनते चले गए। और तभी शिष्य और ज्यादा क्रोध हो गया और क्रोध में वहां से वो निकल गया और निकल के सीधा अपने घर चला गया। और जैसे वो घर गया तो उन्होंने सोचा कि आज मैंने क्या कर दिया, अपना जो भी गुस्सा था वो मैंने गौतम बुद्ध पे दिखा दिया। ये सोच के उसको काफी ज्यादा पछतावा हुआ और उसने निर्णय लिया कि जाके क्षमा मांगी जाए। फिर उस शिष्य ने दोबारा उस मठ में गया और गौतम बुद्ध को ढूंढने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध वहां से चले गए थे। लेकिन वो पछतावा उस शिष्य को अंदर से खाई जा रही थी, तो उसने निर्णय लिया जब तक गौतम बुद्ध नहीं मिलेंगे तब तक उनको ढूंढते रहेंगे। तो पूरा दिन उनको ढूंढने में लग गया और दूसरे दिन वो दूसरे गांव पहुंच गया जहां उनसे गौतम बुद्ध की भेंट हुई। और सीधा जाके उस शिष्य ने गौतम बुद्ध के चरण छू लिए और गौतम बुद्ध से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो मुझे अंदर से खाई जा रही है, जिसके कारण मैंने कल आपको बहुत ही बुरा बोला। तो गौतम बुद्ध अचानक से उनके तरफ देखे और बोले कि तुम कौन हो? और वो शिष्य बोल पड़ा, मैं वही शिष्य हूँ जो कल आपको बहुत बुरा भला बोला। तो गौतम बुद्ध ने बोला, वो चीज़ें तो मैंने कब का भुला दिया, मुझे तो याद भी नहीं है तुमने क्या मुझे बोला और ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो शिष्य बड़ी बड़ी नज़रों से गौतम बुद्ध को देखने लगा और पूछा कि मैंने तो कल ही आपको इतना बुरा भला बोला, कैसे आप मुझे भूल गए? तो गौतम बुद्ध ने बोला, जो चीज़ें मेरे साथ कल हुआ है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको लेके मैं वर्तमान काल में नहीं जीता। अगर भूतकाल में कुछ अच्छा हुआ है तो मेरी ये इच्छा रहेगी कल जैसा दिन भी आज हो, और अगर कल कुछ बुरा हुआ है तो उसका पछतावा मुझे आज लेके घूमना पड़ेगा। इसलिए जिस दिन का काम मैं उसी दिन करता हूँ, जो चीज़ें भूतकाल में हुई है उसको मैं भूतकाल में छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, और जो दिन मैं जी रहा हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ। इसलिए ना ही मेरे को सुख भोगना पड़ता है और ना ही मैं कभी दुख होता हूँ। तो मेरे शिष्य, आप भी अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जिस तरह जीता हूँ वैसे आप जी सकते हो। और ये बोल के गौतम बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी से हम ये सीखते हैं, अगर भूतकाल में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको लेके हमें वर्तमान में नहीं जीना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इस तरह की बहुत सारी आपको कहानी सुननी है, तो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो वाला आप दबा दो, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और भविष्य हम इस तरह की कहानी और आप लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार एक व्यक्ति बैंक में जाता है और बैंक में जाके वह 50,000 रुपए निकलवाता है, लेकिन गलती से वहाँ का जो कैशियर रहता है वो 50,000 के जगह 60,000 उसके हाथ में थमा देता है, और दूसरा व्यक्ति जो कि पैसा लेने आया था वो लेके बाहर आ जाता है। और आके जब वो गिनता है उसको दिखता है कि वहाँ पे 10,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाती है। वह सोचता है, अगर मेरे जगह वह व्यक्ति को मैं 10,000 रुपए ज्यादा देता, क्या वो मुझे देता? नहीं देता, तो मैं क्यों दूं? ये सोच के वहाँ से वो निकल जाता है और पूरा दिन वो वही सोचते रहता है कि आज मेरी 10,000 रुपए कमाई हो गई। लेकिन तभी उसके मन में एक सोच और आती है कि अगर मैं किसी को 10,000 रुपए दे देता और वो मुझे लौटाता नहीं, तो मेरी मनोस्थिति कैसी रहती, मुझे कितनी ज्यादा परेशानी होती। तो उसके मन में दो ख्याल आते हैं, एक कि क्या मैं पैसा दे दूं, और दूसरा किस पैसे को मैं रख लेता हूँ। लेकिन मन का लालच उसके ऊपर हावी हो जाता है और वह सोचना शुरू कर देता है कि इस 10,000 को वो कैसे खर्च करे, क्या वो नया फोन ले ले या मिठाइयाँ खा ले, या उस पैसे को लेके वो कहीं घूमने चले जाए।
बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आती रहती है और ऐसे ही धीरे धीरे शाम होने लगता है। बैंक के बंद होने का समय आ जाता है, लेकिन उसके मन में फिर वो सवाल आता है, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये पैसे मुझे रखने चाहिए। और अचानक वो देखता है कि शाम के 5 बज चुके हैं और बैंक बंद होने का समय हो गया है। जैसे वो देखता है उसके पैर खुद से चलने शुरू हो जाते हैं बैंक की तरफ, और जैसे वो बैंक के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि बैंक बंद होने ही वाला है और उसके मन में ख्याल आता है कि ये पैसा मुझे दे देना चाहिए। और वो दौड़ के जाता है बैंक के अंदर और उस व्यक्ति से मिलता है। मिलकर उस व्यक्ति को बोलता है, आज तुमने मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दिए थे जो कि मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ। तो वह कैशियर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कैशियर बोलता है कि सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, ये मेरी पहले मन की तनख्वाह है जो बैंक वाले मेरे सैलरी से काटने वाले थे, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये बैंक के गवा दिए हैं। तो आपने जो 10,000 मुझे दिया है ये मैं यहाँ पे जमा करूँगा ताकि मेरी सैलरी से कट ना हो, और ये मेरे घर खर्चे का पैसा है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बोलते ही कैशियर के आंखों से आंसू निकल जाता है और कैशियर अपने पॉकेट से 200 रुपये निकाल के उस आदमी को देता है कि आपने मेरी आज बहुत मदद की, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। तभी वो व्यक्ति 200 रुपये लौटा के खुद अपने जेब से 500 रुपये लेके उस कैशियर के हाथ में थमाता है और बोलता है कि इस पैसे को लेके जाओ और अपने घर पे अपने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाना। तो वह कैशियर बोलता है कि आप मुझे पैसा क्यों दे रहे हो, जबकि मुझे आपको देना चाहिए, आपने मेरी मदद की। तो वह व्यक्ति बोलता है, मैं आपको इसलिए पैसा दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने परख लिया मैं कैसा आदमी हूँ। मेरे मन में ख्याल आया कि यह पैसा आपको मैं नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तो मैंने यह पैसा आपको देने का निर्णय लिया, जिससे मुझे पता चला मैं किस तरीके का इंसान हूँ और मुझे आज अपने ऊपर गर्व है। ये बोल के पैसा देके वह सो व्यक्ति निकल जाता है। हम दोस्तों यहाँ से क्या सीखते हैं? दोस्तों, हमारे मन में लालसा बहुत समय आ जाती है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमारी लालच से किसी इंसान का कभी बुरा ना हो। लालच बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो लालच से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरीके की कहानी देखने के लिए आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कहानी आपको कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके बताना या फिर कमेंट करना वो भी कर सकते हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसी कहानियाँ सुन सके। तो व्हाट्सएप में इसको आप शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक गांव में एक औरत रहती थी जो हर छोटी छोटी बात में भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, जिससे उनके घर वाले और साथ ही साथ उनके अड़ोस पड़ोस वाले भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। सारे लोग डरते थे कहीं मैं इनसे बात करना शुरू करूं और वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मुझे बोलना चालू ना कर दे। और ये उस औरत की आदत हो गई थी, वो हमेशा गुस्से में रहती थी और आजू बाजू वाले को हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहती थी। और ये बात से वो औरत भी जागरूक थी कि उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और उस औरत को ये चीजें समझ आ चुकी थी कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है। इसलिए वह औरत सोचती है, क्यों ना मैं अपने इस गुस्से को खत्म करने का कोई नुस्खा ढूंढूं। और जैसे ये चीजें वो सोचती है, तभी उनको पता लगता है कि उनके गांव में एक महात्मा आ रहे हैं। तो वो सोचती है, क्यों ना जाके मैं उस महात्मा से बात करूं, क्या पता वह महात्मा मेरी इस समस्याओं का समाधान ढूंढ पाए। तो इसलिए वह औरत उस महात्मा से मिलने जाती है और उस महात्मा को जाके सारी चीजें बताती है कि महाराज, छोटी छोटी बातों में भी मुझे गुस्सा आ जाता है और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना नियंत्रण खो देती हूँ, लेकिन जब सारी चीजें बिगड़ जाती है, मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है, तब मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होता है, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाती हूँ। तो क्या आप मुझे ऐसा कुछ दवाई दे सकते हो जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूँ? तो वह महात्मा अंदर जाता है और एक बोतल लेके आता है और उस औरत के हाथ में थमा देता है और उस औरत से बोलता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इससे थोड़ा सा दवाई पी लिए करो, देखना तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो वह औरत खुश हो जाती है और उस दवाई को लेके अपने घर चले जाती है। और जब भी उस औरत को गुस्सा आता है, थोड़ा सा दवाई वो पीती है और उनका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और ऐसे ही 10 दिन बीत जाता है। 10 दिन में वो कभी गुस्सा नहीं करती है और लेकिन 10 दिन बाद उसकी दवाई खत्म हो जाती है। फिर वो दोबारा उस महात्मा के पास जाती है और जाके बोलती है कि ये दवाई काफी अच्छा काम कर रहा है और मेरा जो गुस्सा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो क्या आप मुझे और दवाई दे सकते हैं ताकि मैं आगे और गुस्सा ना करूं? तो वह महात्मा मुस्कुराता है और उस औरत को बोलता है कि ये जो दवाई था, ये दवाई नहीं सिर्फ पानी का बोतल था, और जो तुम्हारा गुस्सा था वो इसलिए खत्म हुआ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम इस पानी को पी लेते हो और चुप हो जाते हो, और क्योंकि तुम चुप होते हो इसलिए तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आज के बाद जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अपने मुंह को बस बंद रखना, तो आजू बाजू का माहौल भी सही रहेगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत से
मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए सिर्फ अपने मुंह को बंद रखना, तो आजू बाजू का माहौल भी शांत रहेगा और धीरे धीरे आप भी गुस्सा करना कम कर दोगे। तो दोस्तों आप अगर गुस्सा करते हो तो इस नीति को अपनाओ, या फिर कोई है जिसको आप जानते हो जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम आगे इस तरह की और वीडियो बना के आप लोगों को दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे से चलते चले जाते हैं, और क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं तो गौतम बुद्ध और उनके शिष्य सारे थक जाते हैं। तो वह निर्णय लेते हैं कि वो थोड़ा टाइम किसी पेड़ के नीचे विश्राम करे, और वहीं पर पास पे उनको एक पेड़ दिखता है और गौतम बुद्ध और उनके शिष्य सारे जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी उनके एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध जी मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या मदद चाहिए बताइए। तो वह शिष्य बोलता है कि हमारे मन को हम शांत कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मन है वो बहुत भटकता है, मैं किसी एक चीज में ध्यान नहीं दे सकता। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैं काफी टाइम से चल के आया हूँ तो मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। तो वह शिष्य बोलता है बिल्कुल मैं लेके आता हूँ। फिर वह शिष्य पानी लेने नदी किनारे जाता है, और वहाँ पे बहुत से लोग कपड़ा धोते हैं, कोई अपने पशुओं को धोता है, कोई नहाता है, जिससे पानी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। तो वही थोड़े से दूर में शिष्य को साफ पानी दिखता है, और जब वो जाता है वहाँ पे और पानी उठाने लगता है, तभी उस नदी से एक आदमी गुजरता है और वो नदी का पानी भी गंदा हो जाता है, और वो शिष्य सोचता है कि ये गंदा पानी मैं गौतम बुद्ध को कैसे दे सकता हूँ। इसलिए वह से वो पानी नहीं लेता और गौतम बुद्ध के पास चले जाता है और जाके उनसे कहता है कि बुद्ध जी मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाया, क्योंकि वहाँ का जो पानी था काफी गंदा था। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कोई बात नहीं, एक घंटे बाद चले जाना। तो शिष्य को समझ नहीं आता, लेकिन एक घंटा बाद वह दोबारा उस नदी में जाता है और वहाँ का पानी पूरी तरीके से साफ दिखता है। तो वहाँ से वो पानी लेता है और गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध पानी को पीते हैं और फिर पूछते हैं हाँ अब बताइए आपका सवाल क्या था। तो वह शिष्य दोबारा अपने सवाल को दोहराता है और बोलता है कि हमारे मन को हम शांत कैसे रख सकते हैं। तो फिर गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ, थोड़े वक्त पहले तुम जब पानी लेने गए थे तब वहाँ गंदा क्यों था। तो वह शिष्य बोलता है क्योंकि वहाँ पे सारे लोग नहा रहे थे, पशु धो रहे थे, कोई अपना कपड़ा धो रहा था, जिससे जो नीचे का गंदा पानी था वो भी ऊपर साफ पानी में घुल गया और पानी गंदा हो गया। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं आप जब एक घंटे बाद उस नदी पे गए तो वहाँ का पानी कैसे साफ हो गया। तो वह शिष्य बोलता है क्योंकि तब वहाँ पे कोई नहीं था और पानी की जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं इसमें आपने कोई मेहनत किया। तो वह शिष्य बोलता है नहीं मैंने कोई मेहनत नहीं किया, मैं बस एक घंटे तक प्रतीक्षा किया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ, अगर आपके मन में बहुत से प्रश्न है तो केवल आपको शांत मन से एक जगह बैठना है और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपके मन में जितनी हलचल होगी, जितने प्रश्न आपके मन में आएंगे, सारे प्रश्न विलुप्त हो जाएंगे और आपका मन हल्का हो जाएगा और आप एक केंद्रीय से काम कर पाओगे। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों आज के समय बहुत सी परेशानी हमको घेरे हुई है, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मन को शांत नहीं रहने देती। तो आपको अगर अपने मन को शांत करना है तो आपको कुछ नहीं, इन चीजों से दूर जाके आधा घंटा एक घंटा बैठना है। आप कुछ दिन ये चीजें करोगे तो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, या फिर आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन दबाना, नीचे लाल बटन है उसको दबाना, उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है जिससे हम इस तरह के और वीडियो बना के आप सभी को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, मिलेंगे हम एक नई कहानी में। तब तक दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार तीन दोस्त भंडारे में जाते हैं और जाके वहाँ पे वो खाना शुरू करते हैं। तभी पहला दोस्त बोलता है काश हम भी इस तरीके के भंडारा आयोजित कर पाते और लोगों को मुफ्त में खिला पाते। तभी वहाँ पे दूसरा दोस्त बोलता है हाँ मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन मेरी बिल इतनी आती है, मुझे इतना पैसा देना पड़ता है लोगों को कि उसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है, तो मैं लोगों के लिए भंडारा कैसे आयोजित कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे तीसरा दोस्त बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे खर्चे इतने ज्यादा है, भंडारा आयोजित करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तभी बाजू में एक महात्मा इन तीनों की बातें सुनते रहते हैं और सुनने के बाद वो तीनों को इशारा करते हैं। इशारा जैसे ही करते हैं तीनों महात्मा की तरफ देखते हैं और तब महात्मा बोलता है कि तुमको अगर भंडारा आयोजित करना है तो उसके लिए तुम्हें पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ये बोलते हैं तो तीनों लोग एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तभी महात्मा मुस्कुराता है और बोलता है
अगर तुम्हें भंडारा आयोजित करना ही है तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम 5 से 10 ग्राम शक्कर ही चींटियों को खिला दिया करो, वही उनके लिए एक भंडारा हो जाएगा। या फिर तुम ये कर सकते हो, थोड़ा सा चावल अपने छत के ऊपर रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो थोड़ा सा पानी रख दो, जब पक्षियाँ उनको खाएगी तो वो भी उनके लिए भंडारा हो जाएगा। या फिर तुम गाय को रोटी खिला सकते हो, कुत्तों को खिला सकते हो, या फिर जानवरों को पानी भी पिला सकते हो, ये भी एक प्रकार का भंडारा है। जब ये बातें वो महात्मा बोलते हैं तो वो तीनों और ध्यान से सुनते हैं। तब महात्मा बोलते हैं कि सिर्फ इंसान को खाना खिलाना ही भंडारा नहीं है, भगवान ने सभी जीव जंतु मनुष्य को समान रूप से जीवन दी है, तो तुम अगर इंसान को नहीं खिला सकते हो तो तुम जानवर को खिलाओ, वो भी भगवान के ही अवतार है, उनको भी खिलाओगे तो वो भी एक प्रकार का भंडारा ही होता है। तो तुम्हारी अगर सोच अच्छी है तो तुमको पैसों की जरूरत नहीं है, तुमको अगर सच्चे मन से भंडारा करवाना है तो तुम किसी भी प्रकार से भंडारा कर सकते हो, बस तुम्हारा मन होना चाहिए लोगों को मुफ्त में खिलाने का। और ये बोल के वह महात्मा अपना खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, आप अगर अपने दिल से चाहते हो किसी की सेवा करना तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे लाल वाला बटन है और उसको दबा देना, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह की कहानी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कहानी एक गांव की, जहाँ पे रामू नाम का एक किसान हुआ करता था और उस किसान की भुट्टे की खेती थी, लेकिन उसके जो भुट्टे थे उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। सारे गांव वाले यही सोचते थे कि इनके भुट्टे इतने अच्छे कैसे होते थे। और उसी गांव में हर साल एक मेला होता था और उस मेले में ये देखा जाता था किसकी खेती सबसे अच्छी होती है, और उसमें हमेशा ये किसान ही जीतता था। काफी साल ऐसे ही वो जीतता चला आ रहा था। तो एक बार एक सज्जन पुरुष उस किसान के पास जाते हैं और उसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी खेती इतनी अच्छी कैसे होती है, और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि तुम अच्छे क्वालिटी के बीज अपने पड़ोसी को भी दिया करते हो, जिनकी खेत तुम्हारे खेत से लगा हुआ है उनको भी तुम अच्छे क्वालिटी की बीजे दिया करते हो, लेकिन उनकी जो खेती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी खेती इतनी अच्छी कैसे होती है। तो इसमें वो किसान कुछ नहीं बोलता, बस इतना बोलता है ये जो खेती मेरी इतनी अच्छी होती है इसका कारण ये सब लोग हैं। फिर वह सज्जन पुरुष दोबारा बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इस तरह का जवाब नहीं चाहिए, मुझे सच जानना है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। मिट्टी सबका एक समान है, लेकिन तुम्हारी खेती इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो फिर वह किसान मुस्कुराता है और बोलता है कि मेरी खेती जो है वो एकदम बीच में है और मेरे पड़ोसों की खेती मेरे चारों तरफ है, और मैं उनको बीज देता हूँ अच्छे क्वालिटी का, जिससे उनकी जो खेती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, और जब हवा चलता है तो उनके भुट्टे के छिलके मेरे खेत में आके गिरते हैं, और जब वो गलते हैं तो वो खाद बन जाता है, जिससे मेरी जमीन की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके कारण मेरे भुट्टे काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यह कारण है कि मैं अपने पड़ोसियों को भी बीज देता हूँ अच्छे क्वालिटी का, जिससे मेरी खेती और अच्छी हो जाती है। और ये जब वो सज्जन पुरुष सुनते हैं तो फिर वो इस किसान की वाहवाही करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपके जो सराउंड में है, आपके जो आजू बाजू है, वो भी आपके साथ तरक्की करे। आप अगर अकेले तरक्की कर रहे हो तो आप उतने दूर तक नहीं पहुंच पाओगे जितने दूर तक आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे लाल बटन है उसको दबाना, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। साथ ही साथ शेयर करना व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपकी भी सराउंडिंग काफी अच्छी बन जाए। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ खत्म करेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार की बात है जब एक दार्शनिक गौतम बुद्ध से मिलने आते हैं और उनको आके अपनी समस्या बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरे मन में बहुत से प्रश्न आते हैं और मैं जब भी उन सवालों के जवाब ढूंढता हूँ तो मेरे पास और ज्यादा सवाल आ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ जब भी मेरी मृत्यु हो तो सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे सके। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया कि गौतम बुद्ध जी, आप मेरे इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। तो क्या यह सच है? आप मेरी सारे समस्याओं के यानी मेरे सारे सवालों का जवाब ढूंढ पाओगे? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन उसकी तुम्हें कीमत देनी होगी। तो वह दार्शनिक बोलते हैं, आप मुझे जो कीमत बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सके। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, लेकिन मेरी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। तो वो दार्शनिक बोलते हैं, आप जितना बोलोगे मुझे मंजूर है, मैं आपको दे दूंगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, मुझे आपका 2 साल चाहिए, आपको सिर्फ मेरे बाजू में 2 साल बिना बात किए बैठना होगा। और ये सुन के वो दार्शनिक थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं, आप मुझे ये भरोसा देते हैं कि मेरे जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब 2 साल बाद दे दोगे? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा।
फिर वह दार्शनिक सोचता है कि समय तो बहुत लंबा है, मेरे सारे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं 2 साल अपने देने को तैयार हूँ। जब ये दार्शनिक सोचता रहता है तभी बाजू से एक हंसी की आवाज आती है। तो वह दार्शनिक मुड़ के देखता है तो गौतम बुद्ध के एक शिष्य पेड़ के नीचे खड़े होके हंसते रहता है। तो वह दार्शनिक गौतम बुद्ध से पूछता है कि ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उसके शिष्य दूर से जवाब देते हैं, मैं भी पहले आपके जैसा था लेकिन आज मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। तो वो सोच में पड़ जाता है दार्शनिक, आखिर ये बोलना क्या चाहता है। फिर भी बहुत सोचने के बाद, क्योंकि उसको भरोसा होता है गौतम बुद्ध पे, वो 2 साल अपना उनको देने को तैयार हो जाते हैं और वह 2 साल गौतम बुद्ध के साथ बिना कोई बात किए बैठते हैं। और जैसे 2 साल बीत जाता है तो उनके मन में कोई सवाल नहीं होता है। वो गौतम बुद्ध को बोलते हैं, आपने सही कहा था, आज मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, बल्कि जो सवाल मेरे थे उसका जवाब मुझे 2 साल के अंदर मिल गया और वो जवाब मेरे अंदर ही था। ये बोल के वो भी मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या समझते हैं? दोस्तों, आपके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, आप कौन से चीज में अच्छे हो। तो जितने भी सवाल है सबका जवाब आपके पास होता है, बस आपको ध्यान देना होता है। तो जितने भी प्रश्न है उसका जवाब आपके अंदर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट में बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, लाल सा बटन होता है उसको दबा देना। और इस तरह की मैं बहुत सारी और कहानी बताने वाला हूँ, तो वैसी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। एक दिन की बात है जब एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और आके उनसे बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो वो लड़का बोलता है, आज मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में जाए, और उसके लिए मैं एक पंडित की तलाश कर रहा हूँ जिसकी पूजा से वो स्वर्ग में जा सके, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई पंडित नहीं मिला। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मेरे पिता स्वर्ग में चले जाए? तो गौतम बुद्ध ध्यान से सारी चीजें सुनते हैं और सुन के उस जवान आदमी को बोलते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसी पूजा करूंगा जिससे आपके पिताजी स्वर्ग में चले जाएंगे। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, ठीक है, तो प्रक्रिया क्या रहेगी? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, तुम बाजार में जाओ और तुम मटके लेके आओ, और एक चीज ध्यान रखना, एक मटके के अंदर मक्खन रखना और दूसरे मटके के अंदर कंकर रखना। ये सुन के वो जवान लड़का वहां से जाता है बाजार, और बाजार से 2 मटका लेता है, एक मटके में कंकर भरता है और दूसरे मटके में मक्खन भरता है, और दोनों मटके गौतम बुद्ध के पास लेके जाता है। लड़के को लगता है ये कोई प्रक्रिया है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, एक काम करो, ये दोनों मटके को लेके तालाब के पास आ जाओ। वो लड़का वही करता है, दोनों मटके को लेके जाता है अब तालाब के पास। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, दोनों मटके को पानी में बहा दो। अब तक उस लड़के को यही लगता है कि ये कोई प्रक्रिया है जिससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो वो लड़का वही करता है, दोनों मटके को पानी के अंदर डाल देता है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि पत्थर लो और दोनों मटके को फोड़ दो। तब लड़के को थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि शायद गौतम बुद्ध कुछ उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गौतम बुद्ध है तो वो पत्थर को उठाते हैं और उस मटके को फोड़ देते हैं। और जैसे उस मटके को फोड़ते हैं, जिस मटके में कंकर था वो कंकर पानी के अंदर चले जाता है, और जिसमें मक्खन था वो पानी में बहते चले जाता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये तो बह रहा है, इसको पानी के अंदर डुबाओ। तो आश्चर्यजनक होके वो लड़का बोलता है कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, मक्खन पानी के ऊपर ही तैरेगा क्योंकि ये हल्का है, और कंकर पानी के अंदर ही डूबेगा क्योंकि ये भारी है। तो आप अगर चाहते हो कि कंकर पानी के ऊपर तैरे और मक्खन पानी के अंदर चले जाए तो ये प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। ये सुन के गौतम बुद्ध बहुत जोर से हंसते हैं, उस लड़के की तरफ देख के बोलते हैं कि यही चीजें मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। कोई इंसान अपनी जिंदगी में कैसा कर्म करता है उससे यह निर्णय होता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, ना कि हमारे चाहने से वो संभव हो पाता है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम भी प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। और ये बोल के गौतम बुद्ध वहां से चल पड़ते हैं, और वो लड़का समझ चुका होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे भी पूजा करवाओ, किसी से भी पूजा करवाओ, जो उसके पिता के कर्म थे उस हिसाब से उनको स्थान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझते हैं, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको वैसे काम करने होंगे, ना कि सिर्फ सोचने से या फिर अच्छा पूजा करवाने से आप स्वर्ग में जा पाओगे। तो ये कहानी कैसा लगा आपको नीचे कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस तरह की और कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार एक देश में देवराज नाम का एक राजा हुआ करता था, और उनके जो मंत्री थे वो काफी समझदार व्यक्ति थे, जिसके कारण राजा भी भयभीत था कि कहीं ये मेरा राजपाट ना ले ले। और ऐसे ही एक सुबह महाराज को ये डर बहुत ज्यादा सताता है, और वह राजा निर्णय लेता है कि आज उस मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा।
तो वह अपने सैनिक को बुलाता है और बोलता है कि उस मंत्री को उसके घर से आज लेके आओ, आज रात को उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो आदेश के अनुसार उनके सैनिक उस मंत्री के घर जाते हैं और उनके घर पे उस मंत्री के सारे परिवार वाले रहते हैं क्योंकि आज मंत्री का जन्मदिन था। तो सारे लोग अपना उत्सव मनाते हैं और जैसे ही वहाँ पे राजा के सैनिक पहुँचते हैं और सबको ये बताते हैं कि राजा ने इस मंत्री को मृत्यु दंड का आदेश दिया है, तो आज रात को मंत्री को राजा के समक्ष पहुँचना है और इनका गला काट के इनको मृत्यु दी जाएगी। ये सुन के परिवार वाले रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे मंत्री को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। मंत्री अपने मगन से ही वहाँ नाचना शुरू कर देता है और यह देख के सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह हुआ क्या है। तो मंत्री वहाँ बोलता है, ये तो खुशी की बात है कि मुझे आज पता है कि मेरी मृत्यु आज रात को होनी है, वरना ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब होगी। मुझे पता है आज रात में मेरी मृत्यु होगी, तो मृत्यु तक मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मुझे खुशियाँ मनाने दो कि मुझे आज पता है कि मेरी मृत्यु कब हो। और ये जब मंत्री बोलता है तो पूरी सेना ये सुन के दोबारा राजा के पास जाते हैं और जाके राजा को बोलते हैं कि मैंने मंत्री को ये चीज बताई है और मंत्री वहाँ पे उत्सव मना रहा है। तो राजा को बिल्कुल भरोसा नहीं होता, तो राजा यह निर्णय लेता है कि वो खुद जाएंगे और देखेंगे कि क्या उनकी सेना सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो राजा वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के देखते हैं कि ये सच है, मंत्री वहाँ नाच गाना कर रहा है। और राजा जाके बोलता है कि तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो। तो वह मंत्री बोलता है, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे पता है मेरी मृत्यु कब होनी है। क्या राजा आपको पता है आपकी मृत्यु कब होगी? तो राजा कुछ नहीं बोलता, बस उस मंत्री को सुनते रहता है। और राजा अपने मन ही मन में निर्णय बना लेता है कि ये तो इसके लिए सजा नहीं, ये तो इसके लिए पुरस्कार है कि इसको पता है इसकी मृत्यु कब होगी। जब इसको डर ही नहीं लग रहा है तो इसको मृत्यु की सजा देके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर राजा अपनी मन की बात बताता है कि मंत्री मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा सिंहासन हत्या लोगे। तो मंत्री मुस्कुराता है और बोलता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था लेकिन कभी वो अकबर नहीं बन पाया और ना ही वो बन पाएगा क्योंकि उसकी किस्मत में वो नहीं है। तो राजन, आपके किस्मत में अगर सिंहासन है तो आपको सिंहासन मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको कभी नहीं मिलेगा। और ये बोल के मंत्री अपने कक्ष में चले जाता है। और राजा ये सोचते हुए कि मंत्री ने सही कहा, अगर मेरे किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। और ये सोचते हुए राजा भी अपने महल में चले जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि कोई शायद मेरा कुछ छीन लेगा, लेकिन दोस्तों आपके किस्मत में जो है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो कभी ये सोच के आप भयभीत मत होइए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे आप कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। यह कहानी है एक साधु की जो गांव के थोड़े ही दूर एक झोपड़े में रहा करता था। एक दिन की बात है जब वो साधु बाजार होते हुए अपने घर के तरफ आता है, तभी उसको बाजार में कुछ खजूर दिखते हैं। और जैसे उस साधु को खजूर दिखता है तो उनके मन में इच्छा होती है खजूर को खाने की, लेकिन क्योंकि वो साधु है और वो अपने पास पैसा नहीं रखता है, वो काम ही नहीं करता है कि उसके पास पैसा हो, इसलिए वो उस खजूर को नहीं खरीद पाता और बिना ही खजूर लिए वो अपने घर चले जाता है। लेकिन जब वो अपने घर जाता है तब भी उसके मन में खजूर खाने की इच्छा होती है, तो फिर वो अपना काम करके रात को जब सोने जाता है तब भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, रात भर उसको बस खजूर की याद आती है। तो वह निर्णय लेता है कि अगले दिन वो उसके बाजू के जंगल में जाएगा, वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ काटेगा और बाजार में आके उसको बेचेगा, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे वो खजूर खरीदेगा। तो जैसे ही सुबह होती है वह साधु चले जाता है जंगल में और वहाँ जाके वो सूखी लकड़ियाँ को काटता है। लकड़ियाँ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसको खींच के बाजार तक लाने में। आधे रास्ते वो लाता ही है कि वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो सोचता है मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। तो वह थोड़ा सा विश्राम करता है, फिर उठ के उस लकड़ी को वो बाजार लेके जाता है और जाने के बाद वो सारी लकड़ियों को बेचता है। बेचते ही बेचते वह शाम हो जाता है, खजूर की दुकानें वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन साधु के पास अच्छे पैसे हो जाते हैं। तो उस पैसों को लेके वो अपने झोपड़े में चले जाता है और जैसे तैसे वो रात काटता है इस इच्छा से कि सुबह होते ही मैं खजूर खाऊंगा। फिर जैसे ही सुबह होता है उन पैसों को लेके साधु बाजार पहुंच जाता है और जाके वो खजूर को खरीदता है। खरीदने के बाद वह सोचता है क्यों ना मैं इसको अपने झोपड़े में बैठ के आराम से खाऊं। फिर उन खजूर को लेके वो अपने झोपड़े की तरफ जाते ही रहता है, तभी उसको अंदर से आवाज़ आती है कि आज मैं अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, यानी मैं अपने मन का गुलाम बन जा रहा हूँ, और एक बार मैं अगर अपने मन का गुलाम बन जाऊँगा तो कल कुछ और इच्छाएं आएगी और उसको पूरा करने के लिए मैं फिर पैसा कमाने चले जाऊंगा। मेरा जो उद्देश्य है साधु बन के भगवान की पूजा करना वो समाप्त हो जाएगा। ये सोचते हुए निर्णय लेता है कि मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा और वह उस खजूर को जो कि उसने बहुत ही मेहनत से पैसा कमा के खरीदा वो गरीबों को बांट देता है और वो अपने घर चले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, हमारी जिंदगी में
बहुत ऐसे समय आता है जब हम अपने इच्छा के गुलाम बन जाते हैं। इच्छा पूरा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बनना बहुत ही बुरी चीज है। तब के मन में कहीं भी इच्छा होती है तो उसके पीछे का कारण जानो और यह निर्णय लो खुद से कि आप अपने मन की गुलामी नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट में बताना। इस तरह की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।